बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्दा शुएब और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है रिवायतों की लज्जत। हमारे यहाँ खाने पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये एक ऐसा ज़रिया माश है, इससे मुंसलिक लोग जो भी हैं वो कभी भी तंगदस्ती का शिकार जो है वो नहीं हो सकते। और जहाँ पर खाने पीने का रिवाज चल रहा है वहाँ पर आज के दौर जदीद में कुछ लोग ये बात भूल जाते हैं कि आप जितना भी अपने रिस्क में लोगों को शामिल करेंगे अपने साथ, आपके रिस्क में उतनी ही बरकत होगी, यानी कि आपका दस्तरखान उतना ही कुशादा होगा। तो हमें इन छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा दिल को अपने जो है वो बड़ा करना चाहिए, अपने दस्तरखान को वसी करना चाहिए, तो और फिर आप देखें अल्लाह सुभान व तआला की किस तरह से बरकतें और रहमतें ख़ुद ब खुद आपके रिस्क में और आपके दस्तरखान में जो हैं वो शामिल हो जाती हैं और किस तरह से आपका दस्तरखान जो है वो कुशादा हो जाता है। तो इसी छोटी सी अच्छी सी बात से जो है अपने शो का आगाज़ करते हैं आज का। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है, वैसे तो ये सुनने में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास यहाँ पर बीफ है और बहुत से मसाले रखे हुए हैं। तो आज हम बना रहे हैं बिहारी कबाब, लेकिन ये किस तरह से डिफरेंट होंगे और इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं आज की अपनी गेस्ट को बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि फिर हम दोनों मिलकर इस बारे में आपसे बात करें। तो जनाब, मैं इनवाइट करती हूँ हमारी आज की गेस्ट को जो बनाएंगी हमारे लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी, वो मैं बताऊँगी नहीं आपको, एक काम करते हैं उनको इन्वाइट करते हैं और उनके साथ ही उस रेसिपी के बारे में बात करते हैं और थोड़ी चिट चैट भी करेंगे, तो काफ़ी देर से वेट कर रही हैं वो। तो जनाब, मैं इनवाइट करूँगी हिना को। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वर्दा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा हिना, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं वो देख के कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है कि आप क्या बनाने वाली हैं। मैं तो समझ गई हूँ, हमारे व्यूवर्स से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये रेसिपी आपने क्यों सिलेक्ट करी और इसमें क्या अलग वेरिएशन है या अलग तरीके से क्या ऐसा आप इसमें करने वाली हैं जो आज आप हमें ये सिखा रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने जो रेसिपी सेलेक्ट की है वो बिहारी कबाब की रेसिपी सेलेक्ट की है। और खुशबू से अगर आप स्टूडियो में हो तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहारी कबाब बनते हैं। जी बिल्कुल, और इसके अलावा हाँ, जो उसकी स्पेशलिटी वो यही है कि इसका एरोमा बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। प्लस इसके अंदर जो वेरिएशन मैंने की है, क्योंकि हम नॉर्मली जो बिहारी कबाब खाते हैं या तो हम आउटसाइड जाके खाते हैं या फिर हम किसी ओकेजन पर ही खाते हैं। अच्छा, जो जिस तरह मैं बनाऊँगी वो बहुत ही ईजी मैथड है, उस तरीके से आप वीकेंड से बना सकते हैं, नॉर्मल अपने घर में रूटीन में भी बना सकते हैं इसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत टाइम सेविंग है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ये रेडी हो सकता है हमारा। यानी कि हिना का कहने का मतलब है कि अगर आप बिहारी कबाब खाना चाहते हैं तो आपको मार्केट्स का या होटल्स रेस्टोरेंट्स का रुख करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी घर में बैठे वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के लिए विदाउट अंगीठी आप जो है वो बिहारी कबाब घर पे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसका फ्लेवर और टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपको आउटसाइड से आता है या जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली घरों में। अरे वाह, यही तो चाहिए हमें, यही तो की इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें आप लोगों से। चले जनाब, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट की थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, चले सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे देखिए हमें अंदाजा तो हो रहा है कि आपने गोश्त जो है ये मैरिनेट किया हुआ है। जी बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को कि कितना आपने किलो गोश्त लिया है और क्या ऐसे मैरिनेट किया है आपने? जी बिल्कुल, मैं जो है 1 kg मैंने मीट लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैरिनेशन में मैंने अभी सिर्फ कच्चा पपीता और अदरक डाला है। अच्छा जी बिल्कुल, कच्चा पपीता जो है मैंने इसके अंदर 2 tablespoons लिए हैं। अच्छा, 1 kg गोश्त? जी 1 kg गोश्त में, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर, गोश्त है वो मैंने इस तरीके से इस साइज में लिया है और पसंदे की तरह कट किया हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगी, जी बिल्कुल, आप देखिए, बास लोग बिहारी के लिए बोटी का इस्तेमाल भी करते हैं, थोड़ा सा मोटा गोश्त या बिल्कुल पतले पतले आप थिनली कर लेते हैं, लेकिन ये पतला है, लेकिन जैसे आप कहते हैं पसंदे का गोश्त जो होता है ये बिल्कुल वैसे ही कट हुआ हुआ है उसी तरीके से। अगर आप गोश्त लेने चाहें अगर अपने गोश्त वाले के पास, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी हमें पसंदे का गोश्त बना के दे। और इसका जो स्पेशल जगह है अंडरकट कहलाता है। जी बिल्कुल, अंडरकट होता है। अच्छा, अभी मैं इसको जो है बाउल चेंज करूँगी इसको, क्योंकि हमें जितना हमारे पास बड़ा बाउल होगा वो उतने अच्छे से ही जो है मसाले मैरिनेट होंगे, और जितने अच्छे मसाले मैरिनेट होंगे उतना अच्छा हमारा टेस्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथ साथ। जी बिल्कुल अच्छा जी, चलें सबसे पहले अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र करिए। आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताती भी चलूँ बिहारी कबाब के बारे में जी। और बिहारी कबाब है तो ऑफकोर्स आपको समझ में आता है कि ये बिहारी लोग ज़्यादा बनाते थे और उन्हीं की तरफ से ही जो है बिल्कुल उन्हीं की तरफ से गिफ्टेड है ये निकली है और ये आज से इतनी फेमस हो गई है हमारी तरफ कि हम भी बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाते हैं और बनाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही, और फिर कबाब इसका नाम दे दें कि बिल्कुल
मलाई की तरह होता है, बिल्कुल, right? बिल्कुल, की तरह इसका जायका आता है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। अब आपने देखा कि जो मैंने आपको बताया कच्चा पपीता जो हमने डाला तो उसको पानी को बिल्कुल हमने सोख करके डाला। अच्छा। पानी क्योंकि इसके अंदर होगा ये अदरक में पानी होगा ये दही में पानी होगा तो मसाला अच्छे से बोटलों पे नहीं लगेगा। ठीक है, मसाला नहीं लगेगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है जैसे आटा छानने वाली छन्नी होती है आपने पपीता कच्चा पपीता पीसा विदाउट छिलका। अच्छा। ठीक है, उसके आपने पीसने के बाद उसको आप अच्छे से उसको आप छन्नी में आप पानी निकाल दें उसका, उसके बाद जो आपको बचेगा वो आप इसमें यूज़ करोगे। सेम अदरक के साथ भी ये होगा, इसमें हम लहसुन यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम अदरक यूज़ करेंगे। सिर्फ अदरक यूज़ जी करेंगे। सिर्फ अदरक यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसमें मसाला डालना शुरू करूँगी। मसाला डालना शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छा तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ब्लैक पेपर से। सही, सबसे पहले हम 1 टीस्पून जो है इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, बल्कि हम 2 जी ठीक है धनिया डाला है पहले आपने इसमें जी धनिया डाला 2 टीस्पून जी 2 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हम ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। आपने काली मिर्च ऐड की इसमें? जी मैंने ब्लैक पेपर डाला लेकिन मैंने अभी कम डाला क्योंकि इसमें ऑलरेडी मसाले ज़्यादा डालेंगे। अच्छा। तो फिर हमारा मतलब कुछ लोग कम मसाले खाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा मतलब तेज़ मसाला खाते हैं, तो अभी हमने पेपर कम डाले, बाद में जब हम मैरिनेट करेंगे उस बार टेस्ट करके देख लेंगे, अगर नीड होगा तो हम ब्लैक पेपर और डाल देंगे। आपने अभी कितना काली मिर्च डाली है? मैंने 1.5 टीस्पून। 1.5। अच्छा, 2 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डाला है जी और 1.5 टीस्पून काली मिर्च डाली जी। बिल्कुल। अब क्या ऐड कर रहे हैं? अब मैं इसमें जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, चूँकि मैं दोनों को साथ मिक्स किया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर हम मसाले खुद पीसते हैं ना फ्रेश मसाले तो उसकी भी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल है। हमें पाउडर भी मिल रहा था लेकिन मैंने इसको खुद पीसवाया है, फिर मैं इसमें अभी मैं कम डालूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेवर हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी, तो मैं दोनों को लाइक 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ये मिक्स है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं इसके अंदर अब डालूँगी सॉल्ट। ठीक है, नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे स्टार्ट में, फिर जब इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर नीड होगा तो फिर हम और यूज़ कर लेंगे। तो नमक आप हसबे जायका अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हसबे जायका आप ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हम इसमें खशखाश डालेंगे। ठीक है, 3 टेबल स्पून। अच्छा जी, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। खशखाश आपने वॉश की हुई है? जी बिल्कुल, इसको इसकी पूरी छनती है, छनने के बाद वॉश होती है, उसके बाद फिर ये पिसाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं इसमें डालूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, ये भी मैंने बिल्कुल पिसा हुआ भी था, फ्रेशली ग्राइंड किया है, तो इससे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आएगा और अरोमा भी आएगा। अच्छा, आप जब फ्रेश मसाले पीसते हैं तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग उसका एक फ्लेवर होता है और उसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है जिसकी वजह से आपके खानों का टेस्ट जो है वो मजीद दोबारा हो जाता है, मजीद इन्हांस हो जाता है जी। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें काला जीरा। अच्छा, काला जीरे का पाउडर है ये? नहीं, ये भी साबुत था तो मैंने इसको फिर ग्राइंड किया। अच्छा, ग्राइंड किया, पाउडर ही है बेसिकली, लेकिन मैंने खुद इसको ग्राइंड किया जी। बिल्कुल। अच्छा जी, सही। अब क्या डालेंगे? ठीक है, इसके अलावा मैं नारियल डालूंगी इसमें, पिसा हुआ नारियल 2 टेबल स्पून। पिसा हुआ नारियल? जी, पिसा हुआ नारियल। ठीक है, अब इसको जितना हमने डाला। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ये हरी इलायची भी रखी है, तो कुछ लोगों को हरी इलायची नहीं समझ में आती, पसंद नहीं आती इसका टेस्ट, मैंने इसमें डाला है गरम मसाला में पीसते वक्त मैंने इसको डाल दिया जी। बिल्कुल, मैंने ऐड कर लिया। अगर आपको नहीं यूज़ करना हो तो आप गरम मसाले में ना यूज़ करना इसको। ठीक है, इसके बाद हम इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं ऐड करेंगे? नहीं, दही नहीं करेंगे इसमें, पहले ये जो हमारे मसाले हैं इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम। सही। अच्छा, आप इसको मिक्स कर लीजिए, जब तक वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर आवर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और यहाँ पे बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से, जिसकी खुशबू पूरे स्टूडियो में फैल गई है इस वक्त, बिहारी कबाब। बिहारी कबाब के मसाले ही ऐसे होते हैं कि उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है और तो तभी लगता है कि कुछ बन रहा है। अच्छा, ब्रेक पे जब हम गए थे तो आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। जी बिल्कुल, और दही ऐड की थी, योगर्ट ऐड किया। दही कितना आपने ऐड किया इसमें? दही मैंने जो है इसमें 350 ग्राम ऐड किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दही भी नहीं लगाना था इसमें, नहीं ज़्यादा दही भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है अब एक लीमू यूज़ करके डाला है। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसमें जो मेन इन्ग्रीडियंट है बिहारियों का, जिसमें बिहारी का और अच्छा फ्लेवर आता है, वो सरसों का तेल। सरसों, क्योंकि मोस्टली जो बिहारी खाने होते हैं वो सरसों के तेल में या तो बनते हैं या सरसों का तेल उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज़ होता है, तो मैं इसमें तेल डालूंगी। कम से कम ये मेरा जो है 1/2 कप तेल है। ठीक है, मैं इसमें ये 1/2 कप तेल
डाल दूंगी। अच्छा, ब्रेक पे आपने जो है इसमें पिसी हुई प्याज भी ऐड की, ब्राउन अनियन जिसे हम कहते हैं, वो कितनी ऐड की आपने? वो मैंने एक कप ऐड किया था, यानी कि आप एक बड़ा प्याज फ्राई करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप इसमें ऑयल में, सरसों के ऑयल में ही फ्राई करेंगे प्याज, वो थोड़ा टाइम गेनिंग होगा फ्राई करने में, लेकिन फिर उसके बाद पीसेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, उसका भी जी। वैसे आप डायरेक्ट सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट प्याज भी क्रश करके, मतलब लाइक फ्राई करके क्रश करके फिर आप डाल दें। जैसे इसमें आपने एक कप प्याज जो है वो आपने ग्राइंड कर ली थी ब्राउन करने के बाद, फिर आपने ऐड जी। बिल्कुल। अच्छा जी, मैरिनेशन रेडी हो चुकी है, फटाफट से इसको हम स्क्यूअर्स में लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, स्क्यूअर्स का मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्यूअर्स हैं ये आपको डिप करके रखने 30 मिनट्स एटलीस्ट पानी के अंदर बिफोर यूज, क्योंकि इसके अंदर अगर ये स्टिक्स गीली होती तो फिर हमारा कबाब सही से इसके बाद चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं, स्टिक्स भी हमारी जल जाएंगे। ठीक है, और टूटती भी नहीं है। टूटती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो हम इसको जो है वन बाय वन लगाएंगे। अच्छा, आप तरीका देख लें इसको, ये लगाना किस तरीके स्टिक्स के अंदर। जैसे मैं अब, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, इसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि पहले इसको आपने वन, ठीक है, इस तरह डाला, फिर इसको आपने मोड़ना है ऐसे करके, सही, फिर आपने ऐसे डाला, फिर आपने इसको ऐसे करके ऐसे डाला, सही, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे, लाइक ये इस तरीके से कर्ल शेप में आएगा। कर्ल शेप में आएगा जी, बिल्कुल कर्ल शेप में आएगा, सही। फिर ये इस तरीके से इसका एक एक लुक आएगा, एक लुक आएगा। चले, मैं भी आपकी हेल्प करती रहती हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है हम इसको बना ले और मैं दिखाऊं। एक भी स्टिक में आप एक भी डाल सकते हैं, एक स्टिक में आप दो भी डाल सकते हैं, डिपेंड नहीं है जितना बड़ा पीस आपके पास आया है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने ये लिया एक पीस, इसको आपने ऐसे इंसर्ट किया जी बिल्कुल स्टिक में, और फिर इसको घुमा लिया ऐसे, राइट जी। अब ऐसे और फिर ऐसे, फिर दोबारा से आप इसको एक राउंड दे दीजिए और लास्ट में आप इसको दोबारा से एंड से स्टॉप कर लीजिए, लाइक दिस। जी बिल्कुल। अब ये जो है इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ज़िगज़ैग। हाँ बिल्कुल, इस तरह का लुक आएगा। सही। अभी हम इसको कहाँ, आप इसमें रख लीजिए। जी बिल्कुल, ये देखें इसका लुक इस तरह आएगा, जैसे बिल्कुल ज़िगज़ैग जो है वो लुक आएगा कि जब भी बिहारी गलेगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जी बिल्कुल, सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे ये है, इसमें आप इसे दोबारा से अगर दिखाना चाहें कैमरे में तो देखें। सबसे पहले इसको स्टिक के अंदर आपने ऐसे इसको पोर किया, ठीक है, फिर आपने इसको करके ऐसे करके ऐसे किया, फिर आपने दोबारा राउंड करके ऐसे लिया, फिर ऐसे राउंड करके। सही। जी बिल्कुल, और बिल्कुल सेंटर में लेना है, साइड पे नहीं लेना, मतलब क्योंकि फिर वो साइड पे लेंगे तो फिर वो ये देखिए इस तरह। जी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलें, अच्छा जी, अब साथ साथ इसको बनाना भी शुरू करते हैं हम। जब तक मैं ये करती हूँ आप बनाना शुरू कीजिए। श्योर, ताकि हम टाइम रहते हुए जो है अपनी रेसिपी को जो है वो कंप्लीट कर लें। श्योर। सही। अच्छा, इसको आप तवे पे बनाएंगी? जी बिल्कुल, मैं इसको इस तवे बनाऊंगी, नॉन स्टिक तवे पे। नॉर्मल तवा आप घर पे उस पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही, क्योंकि इसमें हमने ऑयल भी लगाया है तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बिल्कुल चलेगा नहीं। सही, आप यहाँ रख दीजिए। जी, जब तक तवा गर्म पे लगाएं और आप इसको पकाना स्टार्ट कीजिए, जब तक मैं आपकी हेल्प करती हूँ यहाँ पे। और जनाब, आप भी घर में जो है वो देख सकते हैं, बना सकते हैं बिहारी कबाब, सीखें तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये बड़ा पीस है तो इसको भी हम जो है वो एक ही लेंगे स्क्यूअर्स के अंदर, एक ही लेंगे, एक ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोग जो मैरिनेट करते हैं वो स्पून से करते हैं, कुछ जो है वो ग्लव्स पहन के करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितनी अच्छा टेस्ट अपने हाथ से मैरिनेट करने में आता है वो उतना अच्छा टेस्ट आपको स्पून से, स्पून से मैरिनेट करने में नहीं आता। इसका मतलब आप भी उन लोगों में से हैं जो ये बात मानती हैं कि हाथ का अपना भी जायका होता है, बहुत जायका होता है अपना हाथ का, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी नानी दादी अक्सर कहा करती थी कि आपके हाथ में जो है वो जायका होता है, बनाने वाले के हाथ में भी जायका होता है, बिल्कुल। ये वही मुझे लगता है, ये वही चीज़ है। अच्छा, अब थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा, ये देखिए मैं चाहूँगी कि आप इसको दिखाएं, ये देखें इस तरह से, राइट जी। चलें, अच्छा पैन गर्म हो गया जी, अब हमारा पैन हीट हो गया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। सही, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना है, हमने इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अच्छा ठीक, अच्छा इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट पैन में। और फिर कोयले का दम भी देंगी आप इसमें, ऑफकोर्स जैसे हमारी स्टिक्स रेडी होती हैं उसके बाद हमने क्या करना है। और बहुत मतलब मिनिमम बना रहे हैं प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से, घरों में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो गर्म कैसे रहेंगे वो, हमने किस चीज़ में निकाल के रखने हैं और फिर बाद में कैसे प्रेजेंट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सही, चलें इसको हम जल्दी से पकाना शुरू करते हैं क्योंकि उसके बाद फिर ब्रेक का टाइम भी हो जाएगा और मैं चाहती हूँ जी कि हम आपको दिखा देंगे कैसे बन रहा है ब्रेक जाने से। जी बिल्कुल, और जो इसका फ्लेम है वो मीडियम, लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत तेज नहीं चाहिए वरना वो आपके कबाब है वो पकेंगे नहीं और जल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही, थोड़ा सा गर्म ये हो गया है, गर्म जबरदस्त, देखा आपने गर्म हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के साइड पे कर दिया, साइड पे कर दिया। जी बिल्कुल सही।
अच्छा, ये बारबेक्यू तो सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप वाकई में फैमिली में एक ये ऐसा आइटम है, आप चाइनीज से बोर हो जाते हो, हाँ आप डिफरेंट लाइक इटालियन फूड से बोर हो जाते हो, लेकिन आप बारबेक्यू एक ऐसे क्या बोर नहीं होते, क्या बोर नहीं होते, और आप जहाँ भी चले जाएँ, जिस रेस्टोरेंट में भी चले जाएँ, बारबेक्यू पे आपको हमेशा रश ही मिलेगा, रश मिलेगा, और मतलब उसकी एक खुशबू ऐसी होती है कि आप खुद वहाँ रुक कर खाना चाहते हैं, खींच के ले आती है, हाँ बिल्कुल, आप खुद रुक के वहाँ खाना चाहेंगे, सही। अच्छा, आपको पता है ये कबाब का कॉन्सेप्ट है ना कहाँ से निकला, यानी कि कहाँ से इजाद हुआ कबाब का कॉन्सेप्ट? मतलब इतनी तो मुझे डिटेल नहीं पता, पर हाँ ये मुझे बिहारी कबाब का थोड़ा पता है, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो इटसेल्फ बिहारी हैं। ओ, तो इसका मतलब ये तो हमें फिर ऑथेंटिक रेसिपी मिल रही है जना, बिहारी कबाब। ये वो लोग हमेशा ओकेजन्स पे उनके जो है ये मेन कोर्स होता है, मेन डिश होती है, अच्छा, सबकी फरमाइश होती है कि जो है ये बिहारी कबाब बनने चाहिए। अच्छा जना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैं जो सवाल कर रही थी, मैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए बताती चलूँ कि कबाब का कॉन्सेप्ट जो निकला था, असल में सुनने में है, ये एक हिस्ट्री है, अब ये कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन सुनने में ये बात आती है कि तुर्क के और जो ईरान के लोग थे, जो सिपाही थे, जब वो जंग वगैरह पे होते थे, तो वो जो है वो गोश्त अपनी तलवारों पे लगा के भूनते थे और वो खाते थे, तो वहाँ से जो है ये कबाब का एक कॉन्सेप्ट निकला, यानी कि भुने हुए गोश्त का, और फिर सबने जो है वो इसको अडॉप्ट किया, और फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करते गए, अपने हिसाब से फिर मुग़लों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया, मसाले ऐड किए, इसको मज़ीद जो है फ्लेवर्स दिए, और आज हम उसके मज़े ले रहे हैं। चलें जनाब, ये भी हो गया है यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाकी कबाब भी जो है वो हो रहे हैं। अच्छा जी, मुझे मेरी टीम बताएगी अगर ब्रेक का वक्त हो गया है तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं। तो जी जनाब, आप ये देखिए कबाब भी जो है वो फ्राई हो रहे हैं, हम ब्रेक पे इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, दिल तो नहीं चाह रहा हमारा ब्रेक लेने का, लेकिन क्या करें, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, और जब तक ये हमारे कबाब भी जो है वो तैयार हो जाएंगे, तो आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, आपने स्टे करना है हमारे साथ, तो रेसिपी भी आपने नोट करनी है, अपने घर में भी ट्राई करना है, हमें बताना है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि हमने कबाब जो है बिहारी कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं, और ब्रेक में इन्होंने इस पे कोयले का दम लगा दिया था, ठीक है, अब इसको डिश आउट करेंगे हम। जी बिल्कुल, हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 1 kg में कम से कम आपकी 12 टू 15 स्टिक्स बनेंगी। अच्छा ठीक है, 5 मतलब कुछ मैं स्टिक्स फ्राई कर दी, कुछ आपके सामने मैंने रख दी, इसको मज़ीद मैरिनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक इट्स अप टू योर ओन चॉइस। अच्छा, आप इसको फ्रीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फ्रीज भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, खासकर फिर आप इसको फ्रीज करके डिफ्रॉस्ट करेंगे तो फिर वो जायका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अगर थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप करना चाहते हैं, 1 week के लिए भी करना चाहते हैं, 3 to 4 डेज के लिए फ्रोजन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उससे टेस्ट ख़राब नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सही, आप इसको डिश आउट कर लीजिए, मैं ये यहाँ पे रख लेती हूँ साइड पे। चलें जनाब, अच्छा जी, इसको डिश आउट करेंगे। अब आपने देखा कि इसका कलर जो है ये हो गया, और ये इतना सॉफ्ट होगा खाने में कि आपकी एक उंगली से भी टूटेगा, उंगली से भी टूटेगा, वो देख के लग रहा है कि जिस तरह आप उसको पका रही हैं, बहुत सॉफ्ट है, फ्राई होते हुए ही टूट रहा है ये। जी बिल्कुल, ये बहुत सॉफ्ट है। सही, हमने अब जो है इसको डिश आउट कर लेना है। बिल्कुल डिश आउट। चलें जनाब, जब तक हम उसको डिश आउट करते हैं, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिकैप। बिहारी कबाब, अज्जा, गोश्त 1/2 kg, तली हुई प्याज 2 चम्मच, पिसा हुआ नारियल 2 चम्मच, पिसा हुआ जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच, पिसा हुआ काला ज़ीरा 2 चम्मच, लीमू 1 अदद, दही 1 कप, नमक हसबे ज़ायका, पिसी लाल मिर्च 2 चम्मच, पिसी काली मिर्च 2 चम्मच, पिसी हुई खशखश 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, धनिया कुटा हुआ 2 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च गार्निशिंग के लिए, सरसों का तेल 1 कप। तरकीब, गोश्त में अदरक और कच्चा पपीता लगा कर 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करके पीस लें। 4 घंटे बाद गोश्त में तमाम अज्जा शामिल करें और इसको मैरिनेट कर लें। अच्छे तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें।
और फिर सीखों पे लगाकर तवे पर फ्राई करें, आखिर में कोयले का दम दें। बिहारी कबाब तैयार है। जी जनाब, आई एम श्योर आपने रेसिपी कार्ड जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आई एम श्योर आपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, अभी देखिए इसको हमने डिश आउट कर लिया है, आप गार्निशिंग करेंगे इसकी? जी बिल्कुल, नॉर्मली जो है गार्निशिंग जो इसके प्याज के साथ और एक मतलब एक लेमन के साथ ही होती है। इसके अलावा आप इसको सर्व कर सकते हैं कैचअप के साथ, चटनी के साथ, बिहारी लाल टमाटर की चटनी के साथ। देखें, कैचअप के साथ में बिहारी कबाब आप सर्व करें पराठों के साथ, वो भी लच्छेदार पराठे हों बिल्कुल, और उसके साथ वो चटनी चटपटी सी और हल्की सी खटास वाली, तो क्या बिल्कुल ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, हरी चटनी बेस्ट लगती है। इसको प्याज तक मैं आपके लिए हेल्प कर रही थी, क्या तो कैसे सर्व करेंगी, रिंग्स के साथ करेंगी या फिर ये रिंग्स मैंने बना के रखी है साथ करेंगे आप सर? आपको पता है ना, खैर मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये यूजली पाकिस्तान में ज़्यादातर कबाब पराठे की फॉर्म में खाए जाते हैं, लाइक पराठा रोल, कबाब पराठा। जी बिल्कुल, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन है हमारे यहाँ। तो ये देखें जनाब, बिहारी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं, कितने मज़े के, डिलीशियस और जूसी भी हैं। आप ये देखें कितने जूसी हैं, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हैं, वरना अक्सर आप कबाब वगैरह घर में बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं। ये हम दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे रख रहे हैं, ये रॉ फॉर्म में भी है, इसको हमने फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, या अप टिल अ वीक। जी बिल्कुल, तो इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें फ्रेश बनाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं बना के, या फिर बच्चे बहुत शौक से खाएंगे इसको स्टिक्स की फॉर्म में। तो थैंक यू सो मच है ना, आपने हमें इतनी अच्छी रेसिपी जो है वो सिखाई, हमारे साथ शेयर करी, और आपकी फैमिली की रेसिपी है बिकॉज आपको ससुराल बिहार से ताल्लुक रखता है, दे बिलोंग फ्रॉम बिहार, और जो है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ये अच्छी मानी जाती है। आई एम नॉट बिहारी बट जब मैंने ये बनाई तो हो गई है ना, हाँ अब तो हो गई है, सबको बहुत पसंद आई और सबको वैसे ही टेस्ट लगा जैसे वो जब बनाते हैं। तो ये आपकी सास ने सिखाई आपको बनाना? जी बिल्कुल, ये मेरी सास बनाती हैं, मतलब हमारे यहाँ में जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जो है इसका वेट किया जाता है कि इसको बिल्कुल एक प्रॉपर उस पर बनाया जाए, लेकिन जब मैं उन्हें घर में बनाए खिलाया तो वो बहुत उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हाँ ठीक है ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आए जैसे हम अंगीठी पे बनाते हैं बिल्कुल बारबेक्यू के साथ। जबरदस्त, यानी कि आप जो है फुल्ली कामयाब हो गई बिहारी कबाब बना के अपनी सास को इम्प्रेस करने में, राइट? ऐसे ही है। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिली को और अपनी सास को इम्प्रेस करना, तो आप भी जो है ये आज ही ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी बिहारी कबाब की, और फिर हमें फीडबैक देके बताइएगा कि आपने अपनी फैमिली को कितना इम्प्रेस किया, या अपनी सासू माँ को कितना इम्प्रेस किया, उनके क्या फीडबैक थे आपके लिए और हमारी इस रेसिपी के लिए। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, और हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई गेस्ट और नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।